आप देख रहे हैं शेबाजार लाइव, चार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत पॉल हैं हमारे साथ, विकास सेठी हैं और साथ ही हमारे साथ विवेक गुप्ता भी हैं। एसजेएक्स निफ्टी अगर अभी हम देखें तो बायस पॉजिटिव है और 26 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करा 9343 के लेवल्स पर। ज्यादातर एशियन मार्केट्स भी पॉजिटिव बिहेवियर ही दिखा रहे हैं। फटाफट से एक बार फिर से आपको आइशर मोटर्स की जो ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई वो बता देते हैं। हमने हालांकि इस पर एक्सपर्ट कमेंट्स लिए, अभिजीत ने थम्स अप दिया है, लेकिन ये रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर। सीएलएस ने बाय रेटिंग दी है 3150 के टारगेट्स, यूबीएस ने भी बाय रेटिंग 28500 के टारगेट और क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है आइशर मोटर्स को। तो हाउसेस का व्यू मिक्स्ड है, लेकिन ये है कि एक्सपेंसिव स्टॉक्स पर शायद ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बना रहे आज। बिल्कुल दीपाली, इस बीच हमने कई सारे शेयर डिस्कस किए हैं आपके सामने, कई ग्राफिक्स आएंगे जिसपे हमने कई शेयर डिस्कस किया और कई अभी करने बाकी हैं। जैसे आइशर मोटर डीमार्ट पे आपको राय मिल गई होगी, लेकिन इकोटास पे आप ध्यान रखें, यहां पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। शॉपर स्टॉप ऑप्टो सर्किट पे एक पॉलिसी आई है और अपोलो टायर्स में क्या बज है यह भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन शुरुआत कुछ एक और शेयर से करते हैं। आपको लिस्ट में शॉपर स्टॉप भी दिख रहा होगा, ये शॉपर स्टॉप पे क्या खबर है आपको बता देता हूं। इसके एक तो नंबर्स आए हैं, इसकी आय 882 करोड़ से बढ़कर 910 करोड़ हुई है और कंपनी 10 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 36 करोड़ का घाटा इन्होंने दर्ज किया है। तो मुनाफे से घाटे में आ गई है ये कंपनी, इसके मुकाबले और अच्छी कंपनी से नंबर बेहतर दिए हैं। विकास, ये शॉपर स्टॉप को छोड़ के ही सोचेंगे सब कुछ इसी सेगमेंट में, ये तो कंपनी घाटे में आ गई। आप बिल्कुल डिम्पी, नतीजे तो बेहद ही खराब है, जिस तरह के नतीजे बाकी रिटेल स्टॉक से, जैसे अभी अभी हमने चर्चा करी डीमार्ट है या वीमार्ट है, तो उनसे काफ़ी शानदार नतीजे आए हैं। तो मेरी राय में इस स्टॉक में अभी बिल्कुल इस स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए और बाकी रिटेल स्पेस में बहुत और अच्छी कंपनियां हैं और वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे इन लेवल्स पे फ्यूचर रिटेल भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कंपेयर टू ये जो शॉपर स्टॉक, मुझे लगता है फ्यूचर रिटेल वुड बी अ बेटर स्टॉक टू बी इन। जी, अपोलो टायर्स का भी डिम्पी ने जिक्र किया था, वहां भी अर्निंग का ही ट्रिगर है। नंबर्स अपोलो टायर्स के खराब रहे हैं बारिंग रेवेन्यूज, रेवेन्यूज अच्छे रहे हैं, 10% की ग्रोथ दिखी है, लेकिन मुनाफा 16% गिरा है, एबिटा 25% गिरा है और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो 16.5% से गिरकर 11% रह गए हैं। लेकिन स्टॉक फ्राइडे के सेशन में मार्केट जेल ऊपर थे और ये डे हाई पर क्लोज हुआ था। अभिजीत, क्या कमेंट्स हैं आपके अपोलो टायर्स पर? नंबर्स तो खराब आए हैं लेकिन स्टॉक का बिहेवियर जैसा रहा स्पेशली फ्राइडे को, उसके बाद क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? पोजीशंस खरीदारी की तरफ हैं तो मुनाफा वसूली कर लें आज, होल्ड रखें, शॉर्ट करें, एग्जैक्टली कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप? दीपाली, टायर स्टॉक्स और अपोलो टायर का स्टॉक्स स्पेसिफिकली मीडियम लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, फ्राइडे के सेशन में जब मार्केट वीक था, दिस स्टॉक वाज हैज क्लोज नियर द हाई ऑफ द डे। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है बट 3 days back there is a sign that there can be a possible top out. इसका मतलब है कि अगर फ्राइडे का लो तोड़ता है which is close to that 239, then we can see a short term dip. And keeping in mind के ये stock close to 180 से 250 का एक one way run दिया है, एक short term का correction I think it makes sense. You know, suppose on the downside come close to that 230-232 zone from a short term point of view. Trend is strong at this current price. I think chase karna banta nahi hai, and if there is a negative news which can lead the price to come down, so I think support ke aaspaas buy karne se we will get a better risk reward ratio. ठीक है, तो अपोलो टायर्स में थोड़ा रुकिए, एक तो अच्छा प्राइस डिस्कवरी में हो चुके, थोड़ा रुकने की जरूरत है। मोनसेंटो के भी नंबर्स आए हैं, आप इसमें देखिए, इसका मुनाफा 24 करोड़ से 30 करोड़, आय 86 करोड़ से बढ़कर सीधा 140 हुई है। आय बड़ी इंटरेस्टिंग आई है और मुनाफा भी अच्छा बढ़ा है, 24 से सीधा 30 करोड़ पहुंचा है। टेक्निकल चार्ट देखिए विवेक आप, और बताइए मोनसेंटो अभी भी प्लस किया जा सकता है या फिर अभी थोड़ा रुकना चाहिए? एक बार ये हो सकता है गैप के साथ भी खुले, उसके बाद हमको इसमें ट्रेड करना है। देखिए, ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए तो काफ़ी बुलिश है। मोनसेंटो में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ था 2550 के ऊपर, उस लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट ये सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। अगर 2570 से लेकर 2565 की रेंज में मिलता है तो मुझे लगता है एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 2520 का और ऊपर में 2650 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और किसी के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पोजिशन ओपन है तो इसको डेफिनेटली ट्रेल करना चाहिए, 2780 तक के भी टारगेट में देखे जा सकते हैं। जी, फ्राइडे के सेशन में आईटी स्टॉक्स में बाइंग दिख रही थी
और दो स्टॉक स्पेशली आप देख सकते हैं आज के सेशन में, एक तो एनआईटी टेक और दूसरा एचसीएल टेक रिकवरी लेकर अच्छे गेंस के साथ क्लोज हुआ था पिछले सेशन में। एनआईटी टेक इसलिए चल सकता है क्योंकि जो नंबर्स आए हैं एनआईटी टेक के वो अच्छे रहे हैं। मिस्टर सेठी, आप एक कॉमेंट्स भी लेना चाहेंगे? हमने नंबर्स देखे, मुनाफा 61% बढ़ा है, रेवेन्यू में भी हमने डॉलर रेवेन्यू में भी 7.4% तक की ग्रोथ देखी, और एबिटा देखें तो वो भी 17% से बढ़कर करीब करीब 21% के आसपास रहा है। तो नंबर्स अच्छे आए हैं और आईटी में शायद आज सेंटिमेंट्स कॉग्निजेंट के अर्निंग जैसे हैं उसके बाद पॉजिटिव रहे भी। आप इन दोनों स्टॉक्स को कैसे रेट करते हैं, एनआईटी टेक्नोलॉजीज और एचसीएल टेक? देखिए दीपाली, जो नंबर्स आए हैं वो बेहद ही शानदार है, और पर्टिकुलरली ऐसे सेक्टर से जहां पे अभी तक जो नंबर आए उन्होंने बहुत कुछ खास उत्साह नहीं दिखाया, बट एनआईटी टेक के नंबर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। बट अगर स्टॉक को भी आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छी तेजी भी करी है इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड नंबर्स। तो मुझे लगता है नंबर्स का पॉजिटिव रिएक्शन तो रहेगा, बट जितने अच्छे नंबर्स आए हैं उस लिहाज से हो सकता है, चूंकि ऑलरेडी रैली इसमें बन चुकी है तो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहे। बाकी आईटी के जो फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं जैसे एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है, वो जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं मुझे लगता है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक्स को इन लेवल्स पे एक्युमुलेट करने का। मुझे लगता है डाउन द लाइन अगर 6-9 महीने का किसी का व्यू है तो डेफिनेटली दे रिमेन अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी और यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। अच्छा ठीक है विकास, एक और चीज बताइए, बैंकिंग में आपको कुछ पसंद है क्या? क्योंकि कैनरा बैंक के भी नंबर्स हैं आज और कई बैंकों के नंबर है, इसमें यूनियन बैंक भी अपने नंबर उतारेगा। अब ये जो लास्ट फेस है ना नंबर्स का, क्वार्टरली नंबर्स का, ये बैंकिंग के नाम है, इसमें कोई पसंद है क्या, कुछ हम रख सकते हैं लेके पहले ही? अब बिल्कुल डिम्पी, जिस तरह के नंबर्स अभी तक बैंकिंग सेक्टर से आए हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो जैसे यस बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक या फेडरल बैंक, या पब्लिक सेक्टर बैंक में मुझे जहां तक याद आता है इंडियन बैंक ने अपने नंबर्स ऑलरेडी पेश किए हैं, वो भी बेहद ही शानदार थे। तो उन सबको देखते हुए मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर से इस बार नंबर्स अच्छे आने चाहिए। कैनरा बैंक और यूनियन बैंक दोनों से ही अच्छे नंबर्स की उम्मीद है, और हमने पिछले 3-4 दिनों में बहुत अच्छी एक तेजी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में देखी थी जब से सरकार ने जो एनपीए के लिए ऑर्डिनेंस की बात करी थी। बट फ्राइडे को फाइन प्रिंट आने के बाद बाजार थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, बट मुझे नहीं लगता वहां से बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, और आज ये सेक्टर हो सकता है रिकवरी को वापिस से लीड करे फ्राइडे की मार के बाद। तो मुझे लगता है इन बैंकों से नतीजे भी अच्छे आएंगे, तो ये जो कल फ्राइडे गिरावट आई है और इन स्टॉक्स में जो करेक्शन हुआ वो एक खरीदारी करने के लिए अच्छा मौका है जी। तो ऑन डिप्स ये बाय का मौका है बैंकिंग स्टॉक में, और देखिए सारे मिड कैप बैंक्स थोड़े कमजोर थे, कैनरा बैंक जिसके आज नंबर्स आने हैं वही एकमात्र बैंकिंग स्टॉक जो कि ठीक ठाक गेंस के साथ बंद हुआ। असल में विकास से हमने सवाल ये पूछा ना, क्योंकि बैंकिंग के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ चुका है, अभी नंबर्स आने हैं, अब तो उनका टेस्ट होगा कि वो आप जो तेजी दिखाए थे वो पूरी जस्टिफाइड है कि नहीं है, और ड्यू भी है। अच्छा दूसरा एक और चीज, सरकार ने इस बीच 10 दिन में बहुत बड़े फैसले लिए एनपीएस को लेकर, तो उसका भी आना, उसका मतलब उसका कन्विक्शन आना, वो भी बाजार के अंदर ड्यू है, इसलिए सरकारी बैंकों के अंदर आप थोड़ा सा संभल कर फ्राइडे के मूव के बाद तो स्पेशली ये कह सकते हैं कि कन्विक्शन अभी आना ड्यू है इन स्टॉक्स में, क्योंकि यही हुआ दिखा है। चलिए अब पूजा से कुछ और ट्रेडिंग पिक्स समझ लेते हैं, उसके आगे बढ़ेंगे कुछ और शेयर्स पे जानेंगे। पूजा बता रही है आपको ट्रेडिंग पिक्स, स्टॉप लॉस और टारगेट भी होगा, नोट कर लीजिएगा, बताएं पूजा जी। सारी कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय है, लेकिन सिर्फ एक कॉल ऐसी है जिसमें बिकवाली करने की राय आ रही है। किरण यादव के व्यू से पहले शुरुआत कर लेते हैं, इन्होंने SCI में खरीदारी करने की राय दी है। शुक्रवार को अच्छी तेजी थी स्टॉक में, 4% तक की मजबूती देखने को मिली थी SCI के काउंटर में, आज भी वो तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है और 84 तक के लेवल्स स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस 78 का। और दूसरे कॉल में उन्होंने क्रॉम्पटन ग्रीस कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय दी है, 237 का लेवल देखने की उम्मीद है, इंट्राडे में खरीद कर चलिए, 5% तक का रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है, स्टॉप लॉस लगाइए 225 का। अब इन्वेस्टर पॉइंट से कुछ कॉल्स लेते हैं, उन्होंने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय दी है, शुक्रवार को हल्की कमजोरी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था, आज इस स्टॉक में तेजी देखने की उम्मीद है और 760 तक के लेवल्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। केरला में भी खरीदारी करके चलने की राय है, आज 3% का रिटर्न आपको इस स्टॉक में इंट्राडे में देखने को मिल सकता है, 480 के लेवल्स के लिए बाय कॉल दिया है और स्टॉप लॉस लगाइए 459 का। और अगला कॉल जो है इनका EID पेरी में है, यहाँ पर ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 335 के लेवल्स के लिए और स्टॉप लॉस लगाइए 321 का। IDBI कैपिटल ने HCL टेक में खरीदारी करने की राय दी और यहाँ इनका मानना है कि इंट्राडे में ही 849 तक के लेवल्स स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगले कॉल में उन्होंने डॉक्टर लाल पैथ लैब में खरीदारी करने की राय दी है, टारगेट है 987 का, स्टॉप लॉस लगाइए 945 का।
अब चॉइस बुकिंग के कुछ व्यूज रहते हैं, उन्होंने टाटा कॉफी में खरीदारी करने की राय दी है। यहाँ पर खरीद कर चलिए, आज आपको 135 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी कॉल में बिकवाली करने की राय आ रही है रिलायंस कम्युनिकेशन में, यहाँ आपको 28 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 32.5 का। ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन एक सेल कॉल है। इसी तरह के मार्केट के अंदर यही ब्यूटी मार्केट की सेल कॉल भी आपको मिल रही है। टाटा कॉफी एक जो है वो बाय कॉल निकल के आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे विवेक दो शेयर ही पूछना चाहता हूं अभी, एक तो टाटा कॉफी और एक सेल कॉल मेरे पास है रिलायंस कम्युनिकेशन। मैं बाय में कॉमोडिटी शेयर्स के अंदर काफी स्ट्रांग मूवमेंट देख रहा हूं, इसलिए टाटा कॉफी को खरीद लूं ये बेहतर लग रहा है, या फिर टेलीकॉम की स्टोरी चल नहीं रही, सबसे वीक कंपनीज में से एक है, रिलायंस कम्युनिकेशन को शॉर्ट कर दूं? मैं 10 कॉल नहीं ले सकता, 2 ले सकता हूं, दोनों में से भी एक ले सकता हूं, क्या करूं? मैं टाटा कॉफी के बाई कॉल के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि टाटा कॉफी का जो ट्रेंड है वो फिलहाल स्टार्ट ही हो रहा है। 129 के ऊपर इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, मुझे लगता है मोमेंटम अच्छा कंटिन्यू रह सकता है और ऊपर में शॉर्ट टर्म में 132 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर 132 के ऊपर सस्टेन करता है तो 137 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। जहां तक आरकॉम का सवाल है, 34 रुपए के नीचे इसका ब्रेकआउट हुआ था, ऑलरेडी हम 31 रुपए के आसपास इसका लेवल ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है 30 रुपए 50 पैसे के आसपास एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, तो बेटर है कि आरकॉम का शॉर्ट कॉल अवॉइड करें और टाटा कॉफी के लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। ठीक है, तो ये टाटा कॉफी पर व्यू आपने सुना विवेक का। लेकिन एक और स्टॉक हर रोज इस वक्त हम आपको बताते हैं टुडे स्ट्रेट के तौर पे, रुक कर लेते हैं इसी सेगमेंट का। और टुडे स्ट्रेट में एक स्टॉक हर रोज बताते हैं, ये टेक्निकल और फंडामेंटल कॉल होती है और प्योर इंट्राडे कॉल होती है। डिम्पी ने ये एक्सक्लूसिवली स्टॉक आइडेंटिफाई किया, एक्सक्लूसिवली कुछ नहीं है, ये एक ऐसी कॉल्स होती है जिसमें हम कुछ डाटा देखते हैं, कुछ एक न्यूज फ्लो देखते हैं और उम्मीद करते हैं आपके लिए फायदे के कॉल। तो आज फायदा कहां मिलेगा? आज फायदा मिलेगा आपको बीजीआर एनर्जी में। एनर्जी है बाजार के अंदर, एनर्जी है फ्रांस के अंदर, एनर्जी है डाटा के अंदर, इसलिए आपको एनर्जी वाला शेयर ही चुनना चाहिए, बीजीआर एनर्जी। इसके स्ट्रॉन्ग, इसके भी डाटा काफी स्ट्रॉन्ग है और पावर प्रोजेक्ट्स में ईपीएस सेवा देने वाली एक्चुअली कंपनी है। इसका बिजनेस कोर बिजनेस ये है। आवरली चार्ट पे इसका सपोर्ट जोन अच्छा है जो कि करीब 100-150-160 को मजबूत बेस दे रहा है। इसको 10,430 करोड़ की अच्छी ऑर्डर बुक इसके पास है और कंपनी वाटर ट्रीटमेंट कारोबार के अंदर है। और ये जो सेगमेंट अभी जिसमें रिसेंटली इन्होंने पार्टिसिपेट किया है ना, इस सेगमेंट में ऑर्डर्स बहुत हैं, बस अच्छा है, मार्जिन काफी अच्छे हैं। तो बीजीआर एनर्जी पे एक बार आप ध्यान रख सकते हैं, 167 का टारगेट है। अभिजीत, इस पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, हमको जो ठीक लग रहा है इसका 6-7 रुपए मिल जाएंगे, 1-1.5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस तो लगा रहे हैं, कुछ ज्यादा रिस्क तो है नहीं? आई थिंक डिम्पी काफ़ी अच्छा पिक है बिकॉज स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। लास्ट जो स्विंग मूव मिला था बीजीआर में फ्रॉम द लेवल ऑफ 133 टू क्लोज टू 180, उसका एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन देखने को मिल रहा है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग ये करेक्शन खत्म हो चुका है एंड इट विल लीड टू द नेक्स्ट स्विंग ऑन द अपसाइड। एवरीथिंग फिट्स इन वेरी वेल, द रिस्क रिवॉर्ड ऑल्सो फिट्स वेल। इट विल पिक अप मोमेंटम फर्दर अप, अगर 170 के ऊपर भी अगर सस्टेन होता है देन फॉर द प्रॉब्ली द रेस्ट ऑफ द वीक ऑल्सो इट माइट गो फर्दर अप। इस बीच आपको ना आपके स्क्रीन पर अभी एफ एंड ओ बैन वाले शेयर आएंगे। ये 5 शेयर हैं जो एफ एंड ओ बैन में है, इसमें से हम एक शेयर चुनने वाले हैं। पहले आप सारे शेयर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उसमें 3 तो पहले वाले हैं, उज्जीवन, अदानी एंटरप्राइजेस, भारत फाइनेंशियल, लेकिन 2 शेयर जुड़ गए हैं, एक तो आईआरबी इसलिए भी जुड़ गया क्योंकि इसका इन्विट खुला था तो पोजीशंस काफी खड़ी थी। कर्नाटका बैंक में बज है कि आगे हो सकता है कि इसका विनिवेश हो जाए और अभी सरकारी बैंक्स के नंबर भी आने हैं। मैं 2 जो नए एडिशन हुए उसके बारे में राय लेना चाहता हूं। विकास, आपकी एक तो रिकमेंडेशन चाहिए और इस बीच अभिजीत आपसे भी पूछूंगा, एक कर्नाटका बैंक और आईआरबी, इन दोनों पर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? विकास, पहले आप दोनों के बारे में बताएं। देखिए, दोनों ही शेयर मेरे रडार पे हैं। आईआरबी तो आज मैंने एक टॉप बेट के ऊपर दिया है। इसका जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी जो सेक्टर है वही फोकस में है। इसके अलावा जो इसका इनविट का इश्यू आया था उसको एक बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद जो आंकड़े आए हैं करीबन 8.5 गुना रिस्पांस मिला है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट जो पिछले कुछ दिनों की बढ़त के बाद फ्राइडे को देखने को मिली थी, तो वहां से मुझे लगता है आज इसमें एक बिल्कुल तेजी बननी चाहिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रैली ऑफ एटलीस्ट 4-5% ऑन आईआरबी टुडे। इसके अलावा कर्नाटका बैंक एक बहुत ही अच्छा बैंक है और जिस तरह से बाजार में अटकलें हैं ये एक टेकओवर का टारगेट कैंडिडेट हो सकता है, तो वहां से तो बिल्कुल
उस लिहाज से तो ये स्टॉक चल ही रहा है। और इसके अलावा भी मुझे लगता है ये जो छोटी साइज की प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे हमने फेडरल बैंक के ऑलरेडी नतीजे देखे बेहद ही शानदार थे और उसके बाद से फेडरल बैंक ने एक जबरदस्त 20% के करीब की तेजी ऑलरेडी देखी है, तो उसी तर्ज पे मुझे लगता है कर्नाटका बैंक के भी, अभी मुझे याद नहीं रिजल्ट के डेट वगैरह अनाउंस हो गए कि नहीं हो गए, बट जिस किसी दिन भी इसके रिजल्ट्स आएंगे मुझे लगता है नतीजे अच्छे रहेंगे और यहाँ से बहुत अच्छी अपसाइड कर्नाटका बैंक में भी देखी जा सकती है। कर्नाटका बैंक चलेगा, नतीजों के बेसिस पर और चल सकता है। आईआरबी टॉपिक है, एफ एंड ओ बैन वाले शेयर में से मिला है, फ्यूचर मत लीजिएगा, बैन है, कर्ब है, कैश ले लीजिएगा। अभिजीत, ये जो 5 शेयर है इसमें से आपको कुछ पसंद है? Well, I would like to talk about the IRB chart, Dimpy, for sure, because IRB एक ऐसे लेवल पे है 270-280 का जो resistance रहा है, it is almost 3 years old. Every time 270-280 के पास जाता है, it kind of reacts from there. So, फिर से stock has come back to the very strong supply zone, and this time the good thing is volume support कर रहे हैं. मेरा अप्रोच आईआरबी में फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट रहेगा, मेनली बिकॉज इसके जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है दे आर गेटिंग बेटर। ब्रेकआउट अगर आता है वन शुड होल्ड इट फॉर एटलीस्ट अ ईयर इफ नॉट मोर देन दैट। सो माय अप्रोच विद दिस काइंड ऑफ चार्ट विल बी फ्रॉम अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जी, तो ये आरबी इंफ्रा पर आपने अभिजीत का व्यू सुना, लेकिन आज एक नए प्लेयर की भी एंट्री हो रही है डिम्पी, हुडको की, और 10% हिस्सा तो सरकार बेच रही है। एक चीज है, मैंने काफी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, ज्यादातर हाउसेस और ज्यादातर एक्सपर्ट्स वैल्यूएशंस को लेकर काफी खुश हैं, 55 से 60 रुपए के प्राइस रेंज में वो काफी अट्रैक्टिव मानते हैं इसे। बिल्कुल, आपको आपने कई आईपीओ एनालिस्ट को सुना होगा जी। अब आप देखिए यही बाजार है, आप कोई भी बुरा शेयर लेके आइए, वैल्यूएशन खराब लेके आइए, आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो टूट जाएगा। वैल्यूएशन का ही सारा कुल मिला के खेल है। ये 5 साल बाद सरकारी बैंक का आईपीओ आ रहा है, 8 से 11 तारीख यानी कि आज से 11 तारीख तक खुलेगा। 56 से 60 रुपए का, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप एक बार नोट कीजिएगा, 56 से 60 रुपए का प्राइस बैंड है। पर्चा भरते समय 60 रुपए लिखिएगा जरूर, नहीं तो मिलेगा नहीं, 56 रुपए मत लिखना, ठीक है। 2 रुपए का डिस्काउंट है, ये आपको तब मिलेगा जब रेट तय हो जाएंगे, उसके बाद कैलकुलेट होगा। अजबा लगता है इसका, आपका अकाउंट में ही पैसे ब्लॉक होंगे, चेक नहीं देना, अजबा लगता है, अब इसमें पैसा लग जाएगा। ये फाइनेंस की एक कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत बेहतर है इसकी, इसके बारे में, वैल्यूएशन के बारे में जरूर चर्चा करेंगे और इसका एक पीयर भी ढूंढेंगे जो भी लिस्टेड है।